हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गैलेक्सी M31S की फ़ीचर्स के बारे में। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप इसे पूरा देखें एंड तक, जिससे आपको गैलेक्सी M31S की पूरी जानकारी मिलेगी, उसके पूरे कैमरा, उसके जितने भी फ़ीचर्स है, उसमें क्या क्या न्यू लॉन्च हुआ है, उसके बारे में ऑल टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसे एंड तक देखिए, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही मैं भी अपने न्यू वीडियो को डालूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसे लाइक भी ज़रूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले इसके कैमरा के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें 4 टाइप्स के कैमरा दिए गए हैं बैक में। तो पहला मेन कैमरा जो है वो है 64 MP का मेन कैमरा है। दूसरा कैमरा है 5 MP डेप्थ कैमरा है। तीसरा मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगी वो है 12 MP का 123° अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और चौथा मैं बताना चाहूँगी वो भी 5 MP माइक्रो कैमरा है। इसकी ख़ास बात ये है दोस्तों, ये है सिंगल टेक। आप इसमें एक बार में 10 फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें बहुत सारे फिल्टर्स कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी लुक में आएगी। और फिल्टर देने के बाद तो दोस्तों आपको पता ही है कि फ़ोटो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसकी फोकस जो है दोस्तों वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिससे पिक्चर और भी सुंदर आती है, जिसके वजह से आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती है। और सेल्फ़ी इसकी जो फ्रंट कैमरा है वो भी बहुत अच्छी है, जो भी आप इससे फ़ोटो क्लिक करते हैं वो बिल्कुल ही क्लियर आती है। तो दोस्तों आपको आगे बताना चाहूँगी इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगी, वो है 6.5 इंच की। ये इंच थोड़ी बड़ी होती है, अभी के फ़ोन में थोड़ी बड़ी दी है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी इसके फिंगरप्रिंट के बारे में और इसके लॉक्स के बारे में। तो इसमें है साइट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फास्ट फेस अनलॉक। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंड्रॉयड ये 10 है, जो कि एकदम नया लॉन्च हुआ है, वो ये अभी नया मॉडल में चल रहा है। इसकी बैटरी बताना चाहूँगी दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, 6000 mAh की है, जो कि बहुत देर तक चार्ज रहेगी और आपको चार्ज ऑफ होने का टेंशन भी नहीं लेना होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी ये है यूज़र मैनुअल। और आपको बताना चाहूँगी इसकी जो वाट है चार्जर वाट, वो है 25 वाट की। मेमोरी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, इसकी जो मेमोरी है 6 GB रैम की है, 128 GB इंटरनल मेमोरी है और 512 एक्सटर्नल मेमोरी है। तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही अच्छी है और इसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी दी हुई है। तो आपको बताना चाहूँगी इसकी कैमरा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये सच में बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और अभी की जो भी इसकी प्राइस है, प्राइस के लेवल पे ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको इतने सारे फीचर्स एक साथ मोबाइल में मिल जाते हैं। और ये एंड्रॉयड 10 होने की वजह से बहुत ही फास्ट काम करेंगे, जिससे आपको फटाफट आपके काम हो जाएंगे जो भी आप इससे करना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फ़ोन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको भी ये पसंद आए हैं, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसके लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ से आप वहाँ से क्लिक करके बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप इसके बारे में कमेंट में हमें बताएं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए।